धारा है 384, 384, यानी कि इसमें पनिशमेंट दिया गया है उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से आपके लिए ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, या फिर आप उसके बदले में कोई और चीज़ की मांग करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को फोर्सफुली, इंटेंशनली, मतलब जो इंसान फोर्सफुली किसी व्यक्ति से कुछ पैसा मांगता है, प्रॉपर्टी या फिर किसी प्रकार की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपसे मांगता है तो, और आप नहीं देना चाहते। नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम अशोक गिरी, यादव एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुँच सके। देखिए, वीडियो कॉल स्कैम होने के बाद या फिर किसी और प्रकार का कोई स्कैम आपके साथ में हो जाने के बाद, एक व्यक्ति आपको धमकी देता है, आपको एक्सटॉर्ट करता है, आपसे पैसे मांगता है इस तरीके की, अगर आप नहीं देंगे तो आपकी वीडियो वायरल कर देगा, ऐसी धमकियां आपको दी जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार से ब्लैकमेल करता है, आपको कोई धमकी देकर कोई पैसा प्रॉपर्टी आपसे लेना चाहता है, या उसके बदले में कुछ और भी आपसे लेना चाहता है, तो उसके लिए कानून में क्या सजा है, मतलब जो ब्लैकमेलर है, जो ब्लैकमेल आपको करता है, उसको क्या सजा है, किस तरीके से उसको पनिशमेंट मिल सकता है, तो इन सब बातों पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो ब्लैकमेलर है वो आपका मोस्टली वीडियो बना लेता है किसी प्रकार से, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो आपको वीडियो बनाकर आपको परेशान कर रहा है वो हो सकता है, या फिर जो स्कैम चल रहा है स्कैम का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से वो आपका वीडियो बना लेता है, या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो कोई प्राइवेट पार्ट फोटोज ले लेता है, और उसके बाद अगर आपको कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि आपका मैं फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, या फिर मैं दोस्तों को भेज दूंगा, आपके परिवार में भेज दूंगा, वरना मुझे इसके बदले में इतना पैसा दो, या फिर मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ, अपनी बॉडी दिखाओ, मतलब अपना वीडियो बनाकर दिखाओ, या मेरे साथ रिलेशन बनाओ, ऐसे कई चीजें जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बदले जो है, जो ब्लैकमेलर आपको स्कैम करता है, आपके साथ ब्लैकमेल करता है, वो कुछ भी आपसे मांग सकता है। तो जहां पर मांगता है या फिर आपसे किसी प्रकार से कोई डिमांड कर रहा है अननेसेसरी, जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, तो वहां पर ब्लैकमेलिंग कहलाती है, जिसके जिसके तहत मतलब ये जो पैसा मांगना या किसी प्रकार से कोई कोई प्रॉपर्टी मांगना, इन सब चीजों के लिए एक शब्द बोलते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के लिए आईपीसी में, कानून में एक धारा है 384, 384, यानी कि इसमें पनिशमेंट दिया गया है उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से आपके लिए ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, या फिर आप उसके बदले में कोई और चीज़ की मांग करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को फोर्सफुली, इंटेंशनली, मतलब जो इंसान फोर्सफुली किसी व्यक्ति से कुछ पैसा मांगता है, प्रॉपर्टी या फिर किसी प्रकार की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपसे मांगता है तो, और आप नहीं देना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति मांग रहा है उसके लिए 3 साल का पनिशमेंट, 3 ईयर्स का पनिशमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति ब्लैकमेल करता है वो समझ ले कि अगर मैं ऐसी तरीके की करता हूँ तो मुझे भी कानून में सजा है और मैं भी मतलब उस कानून में फंस सकता हूँ। तो डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति आपको कोई किसी प्रकार से ब्लैकमेल करता है, आपसे पैसा मांगता है, या फिर आपको किसी प्रकार से डरा कर धमका कर आपको कोई चीज़ मांगता है, तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं उसके लिए, तो बता देना कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपके लिए 384 में आपके लिए मुकदमा लिखा सकता हूँ और आप जेल जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति आप कर रहा है उसको एक बार जरूर समझा देना कि कानून कानून आपके लिए है, अगर आप ज्यादा मुझे परेशान करेंगे तो मैं डेफिनेटली मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा और आपको किसी प्रकार से छोड़ूंगा नहीं। तो अगर जो व्यक्ति समझदार है वो समझ जाएगा, नहीं समझता है तो आप इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। अब ये करना कैसे, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, जहां पर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर अधिकारी बैठे होते हैं, उनसे आप बता सकते हैं सर इस तरीके की चीजें हैं, मेरे सामने आई है और मुझे जो है अब लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझसे पैसा मांगा जा रहा है मेरे, या फिर जो भी मैं आपसे चीजें मांगी जा रही है वो आप बता सकते हैं, कि जब वरना कह रहा है कि मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगा, फोटो वायरल कर दूंगा, और साथ ही साथ में जिस सोशल मीडिया पर अपलोड करने की वो धमकी दे रहा है, तो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए भी कानून बनाई गई है 67 IT Act, मतलब जो अगर कोई व्यक्ति आपका फोटो या वीडियो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कहीं पर भी हो, अगर किसी प्रकार से वो वहां पर अपलोड करता है या फिर अपलोड करने की सिर्फ धमकी दे रहा है आपके लिए, तो
तो 66 आईटी एक्ट भी उसके ऊपर लागू होगा। मतलब कि 384 के साथ साथ में 67 जो आईपी सॉरी आईटी एक्ट की धारा है वो भी उसके ऊपर लगाई जाएगी, और उन दोनों धाराओं के तहत जो है उस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की चीजें हो रही हैं आपके साथ में, तो आप बिल्कुल भी चुप ना बैठें और आप जरूर इस तरीके की शिकायत दर्ज करवाएं। और अगर कोई और भी इससे अलावा अगर आप हमसे कोई जानकारी हमारी लेना चाहते हैं, हमारी लीगल एडवाइज आप लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल में नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।